हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ पृथ्वी के दो ऐसे हिस्सों के बारे में जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात पर यकीन करना ही पड़ेगा, पृथ्वी के ऐसे दो हिस्से हैं जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। लेकिन ये कैसे होती है, इसका रीज़न क्या है, आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है, तो इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है। इस चैनल पे आपके आपको बने रहना है और देखते किस तरीके से ये होता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वी के जो दो हिस्से हैं, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी गोल है और ये थोड़ी सी झुकी हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री पर क्या दोस्तों ये झुकी हुई है, जिसके कारण संभव हो पाता है। तो मैं पहले लिख देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो देश पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव पर है, ठीक है, जो देश पृथ्वी के दक्षिणी यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर है, वहां पर क्या होते हैं दोस्तों, वहां पर 6 महीने, ठीक है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये संभव कैसे हो सकता और ये कैसे होगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक इमेजिनेशन करिए, ठीक है, वो आपको क्या करना है कि जैसे मान के चलिए कि ये हमारी क्या पृथ्वी है, ठीक है ना, ये क्या दोस्तों, ये पृथ्वी है। तो आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा उत्तरी ध्रुव है और पृथ्वी के नीचे वाला जो हिस्सा क्या दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ नॉर्थ पोल, ठीक है दोस्तों, नॉर्थ पोल है ये, और ये क्या है साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल, ठीक है, घबराइए नहीं, हिंदी में मैं लिखूंगा, यानी कि इसको आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आप मुस्कुराते हुए इस वीडियो को एंजॉय करिए। और साउथ पोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव, यानी कि दक्षिणी ध्रुव भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर सूरज है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य मैं इसको बना देता हूँ और सूर्य की किरणें चारों तरफ क्या होती है दोस्तों जाती है, तो आपको पता है कि ये जो अगर ये राउंडेड होगी, यानी कि अगर ये पृथ्वी घूमती है, ठीक है, इस तरीके से अगर ये घूमती है, तो ये वाला जो हिस्सा दोस्तों, यहाँ से अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ इस तरीके से, तो आप पाएंगे कि ये वाला जो हिस्सा दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इधर क्या होगा रात, ठीक है, होगा या ना दोस्तों, ये बताइए होगा या ना, हाँ या ना बोलिए दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सही कहा दोस्त सर कि ये हिस्सा क्या होगा रात होगा, इसका मतलब कि ये हिस्सा क्या होगा दोस्तों दिन होगा, ठीक है, दिन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यही हिस्सा आगे आपको पता है कि ये पूरा रोटेट हो गया, यानी कि घूम के क्या होता है यहाँ पे आता है, ठीक है, इस जगह पे ये आ जाता है, ठीक है, इस जगह ध्यान से समझते जाइएगा, एक ही चीज़ को ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो हिस्सा दिन था दोस्तों, अब ये क्योंकि इस तरीके से घूमता है, ठीक है, ऐसे घूमते 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 जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जो हिस्सा दिन था वो क्या बन जाएगा, रात में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, रात में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये हिस्सा हो जाएगा रात और ये उससे ये हिस्सा हो जाएगा दोस्तों दिन, ठीक है ना। और ये पूरा समय कितना लेगा, 6 महीने, क्योंकि 12 महीने का पूरा एक वर्ष होता है, तो 6 महीने पूरा ये हो जाता है। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, नॉर्मली जो हम देखते हैं 24 घंटे जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें दिन रात आपको देखने को मिलते हैं, सुबह उठते फिर शाम को फिर सो जाते हैं, सुबह उठते शाम को सो जाते हैं, इस तरह के सुबह शाम आपके सामने दिखाई देता है, दिन रात आपके सामने पेश होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर तो हो जाती इस वाले पोल के अंदर, यानी कि मध्य रेखा हो गया, ठीक है, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये ऊपर वाले उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के अंतर्गत आती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के अंतर्गत आती है। अब ये मामला कैसे होता है, ये किस तरीके से ये होता है, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि मैंने इस पृथ्वी को नहीं झुकाया था, समझाने के लिए मैंने ऐसे ही बताया था, लेकिन मैंने आपको बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वी हमारी क्या है, 23 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री क्या है दोस्तों, झुकी हुई है। तो मैं इस तरीके से इसको बना सकता हूँ कि अगर सूर्य यहाँ पर है, ठीक है ना, सूरज क्या दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर है, जैसे कि आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश चारों तरफ जाता है, ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसको बना देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझते जाएगा, कॉपी पेन है तो नोट भी कर लीजिए, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट से वो इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि इस तरीके से क्या है, रोटेट होगी, ठीक है, तो
अगर मैं पृथ्वी को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, दिखाई देने के लिए, तो ये है हमारी क्या दोस्तों, पृथ्वी मैंने यहाँ पे बना दी। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, जब मैंने यहाँ पे ये पृथ्वी बनाई है तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि थोड़ी सी ये झुकी हुई होती है, इस तरीके से झुकी हुई है, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों, यहाँ पे ये झुकी हुई है कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे ये क्या दोस्तों झुकी हुई है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, किसी प्रकार की समस्या, कमेंट बॉक्स में जाइए, तुरंत हमें कमेंट्स करिए और बस आप इंजॉय करिए, टेंशन नहीं लेना है। अब आप यहाँ पे देखें, जो इसकी जो लाइट है, इसकी जो रोशनी है, ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, और यहाँ तो जाएगी जाएगी, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो दिन हो गई होगा, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये वाला हिस्सा भी क्या रहेगा दोस्तों, दिन ही रहेगा। क्या होगा दोस्तों, ये दिन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो दिन रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, ठीक है ना, इस लाइन को देखिए ऐसे, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है ना, इसको ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा क्या होगा दोस्तों, रात होगी, ठीक है ना। ये क्या दोस्तों, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या दोस्तों, रात है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये वाला पार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये क्या दोस्तों, रात है, ठीक है। और ये कौन सा पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव मतलब क्या है, अंटार्कटिक, ठीक है, कौन सा दोस्तों, अंटार्कटिक। यहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है, कोई भी जनसंख्या नहीं है, ठीक है। तो अंटार्कटिक ऐसा यहाँ पे देश, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, रात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 दिसंबर यानी कि 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर का ही ऐसा टाइम होता है दोस्तों, जहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ पे 22, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर 23, यहाँ पे 23 तारीख, ठीक है, यहाँ पे 23 तारीख, अब जगह भी नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे 23 तारीख यानी कि 23 सितंबर यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, रात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 22 दिसंबर, क्या है दोस्तों, यहाँ पर 22 मार्च, सॉरी, ठीक है, 22 मार्च, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे गौर फॉर्म में, यहाँ पे गौर से देखिए, ठीक है, ये जो पूरा इलाका ऊपर वाला क्या दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में यहाँ पे क्या हो रहा है, 22 मार्च चल रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, दिन है, ठीक। वही दक्षिण ध्रुव पे यहाँ पे क्या है दोस्तों, रात है। उसके बाद क्या होता है कि ये घूमते घूमते इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रोटेट होते होते होते, ठीक है ना, रोटेट होते होते क्या होता है कि रोटेट होते होते इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे बना देता हूँ। तो अब देखिए, ये जो 23 डिग्री पे जो झुका होता है दोस्तों, यहाँ पे 23 डिग्री पे आ गई है, ठीक है ना, इस तरीके से 23 डिग्री पे आई है, 23.5, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हिस्सा, ठीक है, जो हिस्सा यहाँ पर दिन था, वही हिस्सा यहाँ पर क्या है दोस्तों, वही हिस्सा यहाँ पर क्या है, रात है, ठीक है। लेकिन इस बीच वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ पर रात का रात ही है, और यहाँ पे इस साइड क्या दोस्तों, इस साइड, ठीक है, जो रेड में मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए, ठीक है, यहाँ पे गौर करिए, ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हिस्सा था दोस्तों, ये जो हिस्सा था 23 डिग्री पर जो झुका हुआ था ऐसे पृथ्वी हमारी, तो यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर दिन है, क्योंकि सूरज का प्रकाश यहाँ तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ तक तो दिन है, लेकिन इसके आगे क्या है, रात है। लेकिन जैसे ये घूमते घूमते जब इस तरीके से आती है, इस साइड में आ जाती है, जो 6 महीने इसमें बीत जाते हैं, 6 महीने बाद जब इस तरीके से आती है इसके अपोजिट में, ठीक है, तो 23 डिग्री का जो झुकाव इस तरीके से वो यहाँ पे आता है। अब जो यहाँ पे दिन था, ये ऊपर वाला जो पार्ट जो दिन था, वही इससे यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, रात हो जाता है, ठीक है। और कितने महीने तक रहता है, 6 महीने तक रहता है, यानी कि जहाँ 22 मार्च को यहाँ पर दिन है, तो वहीं पर यहाँ पर क्या दोस्तों, रात होगी। और वहीं पर अगर 6 महीने बाद देखा जाए, तो ऊपर वाले में रात हो जाएगी उत्तरी ध्रुव पे, और दक्षिणी वाले ध्रुव पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिन हो जाएगा। बोले दोस्तों, समझ में आए कि नहीं आए, अगर आया है तो स्माइल करिए, और जल्दी से इस तरीके से वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होगा, वहाँ पे जाके लाइक करिए, ध्यान रहे, डिसलाइक का बटन नहीं, लाइक का बटन, ठीक है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से देश हैं, तो मैं देशों के नाम भी लिख देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है, और कोई भी अगर आपको बताए तो आप उसको जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन कौन से दोस्तों, कनाडा आता है, ठीक है, कनाडा, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड, फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों, आइसलैंड, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों, नॉर्वे,
ठीक है। तो ये वो देश है, ठीक है, ये वो देश है दोस्तों जहां पर क्या होता है, जहां पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इसी तरीके से वीडियो जब भी बनेगी तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओके नमस्ते। और दोबारा इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा।